गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में, जिसमें आज मैं फिफ्थ क्लास मैथ की क्लास लेकर आई हूँ। तो देखिए, आपको इससे पहले वाली क्लास में अभ्यास एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट सवाल के फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फोर्थ बताए गए थे। अब आगे शुरू करते हैं हम सेकंड नंबर। देखिए, इसमें लिखा हुआ है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब एक चादर को रुपये 750 में खरीदा जाता है और रुपये 600 में बेचा जाता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा, यही ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से हम सवाल ये लगाएंगे। सेकंड नंबर देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे चादर का क्रय मूल्य। जितने में वो चादर खरीदी गई है उसका क्रय मूल्य 750 रुपए है। चादर का विक्रय मूल्य 600 रुपए है। हानि ज्ञात करना है। हानि बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें पता है, विक्रय मूल्य भी पता है। क्रय मूल्य 750 रुपए है और विक्रय मूल्य है 600 रुपए। इसमें हानि हमें हुई, जब दोनों का माइनस किया हमने तो 150 रुपए है, तो हानि कितनी हुई 150 रुपए की। अगर 750 पे हमने एक चादर खरीदी है और 600 रुपए में बेच दी है तो 150 रुपए की हानि हुई। हानि प्रतिशत हमें निकालना है। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि 150 रुपए की हुई है, क्रय मूल्य हमें पता है 750 रुपए है, गुणे 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 15 से हम इधर 100 से गुणा कर देंगे। 15 को 100 से गुणा कर दिया जाएगा तो हो जाएगा 1500। इधर बचा है 75, तो 75 लिख देंगे। चाहे यहाँ इस तरीके से लिख के इधर गुणा करके लिख लीजिए, चाहे यहाँ पे जो है मल्टीप्लाइज कर लीजिए। देखिए, ऐसे लिख लिया हमने 1500 पहले इसका इससे गुणा करके, उसके बाद अब यहाँ पे आप इधर इससे जब इसको भाग करेंगे भी 75 से 1500 को, तो 20% आंसर आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे 150 बटे 750 ये जो है हटा दीजिए, गुणे 100 हो जाएगा। इसका इससे आप गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा इतना, और जो है 750 लिखा, 750 ऐसे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, बाद में 75 से 1500 को भाग कर देंगे तो 20% आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है सम्राट ने एक कैमरा 7456 रुपए में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 50 रुपए खर्च की, अंत में उसने इसे 9605 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैमरे का क्रय मूल्य बराबर 7456 रुपए, मरम्मत में खर्च 50 रुपए का खर्च हुआ है, तो 7456 में हम 50 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7506 रुपए। विक्रय मूल्य हमें पता है, विक्रय मूल्य है 9605 रुपए। लाभ ज्ञात करना है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमें पता है 9605 रुपए, क्रय मूल्य पता है 7506 रुपए। अब जो है इससे इसको माइनस कर देंगे तो 2099 रुपए है। लाभ प्रतिशत हम इससे ज्ञात कर लेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ हमें हुआ है 2099 रुपए का और क्रय मूल्य है 7506 रुपए, गुणे करेंगे 100। तो इस तरीके से इसका इससे गुणा कर देंगे हम 2099 का 100 से, तो 2,99,000 इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। और नीचे वाला ऐसे कैसे लिख देंगे,
अब हम इससे इसको भाग कर देंगे इस संख्या को, तो भाग करने पर हमारा आएगा 27.96%। देखिए इधर हानि प्रतिशत हो गई इस प्रकार 27.96%। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर सवाल। अब आगे देख लेते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर देखते हैं, एक मिक्सर का क्रय मूल्य 2150 रुपए है, उसे 35% लाभ पर बेचा जाता है, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मिक्सर का क्रय मूल्य बराबर 2150 रुपए लिख दिया, उसके बाद लाभ 35% हमें दिया गया है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, लाभ बराबर क्रय मूल्य का 35%, 35/100 लिख देंगे गुणे 2150, 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, 35 से हम 215 को गुणा कर देंगे तो 7525 आएगा बटे 10। लाभ में इससे इसको जो है भाग कर देंगे तो 752 रुपए आएगा, लाभ बराबर 752 रुपए। विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, क्रय मूल्य प्लस लाभ करेंगे, क्रय मूल्य हमें पता है 2150 रुपए और लाभ हुआ है 752 रुपए का। तो इस तरीके से 2150 में 752 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2902 रुपए। ये विक्रय मूल्य आएगा, यही आंसर हो जाएगा, विक्रय मूल्य ही इसमें पूछा गया दे। फिर आगे देख लेते हैं पांच नंबर। एक डीलर ने पंखों को 8150 रुपए प्रति पंखे की दर से खरीदा और उन्हें रुपए 9000 की दर से बेचा, उसका प्रत्येक पंखे पर लाभ ज्ञात कीजिए। पंखों का क्रय मूल्य बराबर 8150 रुपए, पंखों का विक्रय मूल्य बराबर 9000, लाभ ज्ञात करना है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, तो विक्रय मूल्य हमें दिया है 9000 रुपए और क्रय मूल्य 8150। तो इस तरीके से जब 9000 से 8150 हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 850 रुपए। उसके बाद हमें इन अब इस ये इतना आ गया लाभ। अब लाभ प्रतिशत हम याद कर लेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो प्रत्येक पंखे पर लाभ प्रतिशत बराबर 850 बटे 8150 गुणे हो जाएगा 100। 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, यहाँ 85 से 100 का गुणा कर देंगे तो 8500 हो जाएगा और बटे 815 हो गया। अब जो है 8500 को हम 815 से कर देंगे भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 10.43%, 10.43% ये हो जाएगा आंसर। आगे देख लेते हैं सिक्स नंबर। श्रद्धिमा ने एक सूटकेस 9150 रुपए में खरीदा और इसे एक 12,370 रुपए में बेच दिया, उनका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सूटकेस का क्रय मूल्य बराबर दिया गया है हमें 9150 रुपए, सूटकेस का विक्रय मूल्य 12,370 रुपए। अब जो है लाभ हमें ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे, 12,370 माइनस 9150, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3,220 रुपए। लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 लिख देंगे, लाभ 3,220 रुपए का है और क्रय मूल्य 9,150 रुपए गुणे 100।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इधर से 10 को हम गुणा कर देंगे तो 32,200 ये आ जाएगा। उसके अलावा 915 यहाँ नीचे हुआ है, 915 से हम इस संख्या को जो है भाग कर देंगे तो 35.19% ये आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं, टीबी सेट का मूल्य 16,540 रुपए है, इसे 12% हानि पर बेचा जाता है, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देख लीजिए टीबी सेट का क्रय मूल्य 16,540 रुपए, विक्रय हानि दी गई क्रय मूल्य का 12%, तो 12/100 हम कर देंगे गुणे 16,540 जो हमारा क्रय मूल्य है। इस तरीके से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 12 से हम इतनी संख्या को 1,654 से हम गुणा कर देंगे तो 19,848 रुपए यह आ जाएगा और बटे 10, इससे इस संख्या को हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 1,984.8 रुपए। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य है 16,540 रुपए और विक्रय मूल्य है 19,848 रुपए, हानि है 19,848। तो इस तरीके से ये विक्रय मूल्य आ जाएगा 14,555.2 रुपए। ये हो गया विक्रय मूल्य, ये आंसर हो गया। तो जो है आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।